हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं आकाशिकम, आप देख रहे हो डिकम फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मेरी पैकिंग के बारे में। मैं पैकिंग कर लिया हूँ जम्मू जाने के लिए, जम्मू माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो बस आज ही निकलना है मुझे, 12:30 बजे का मेरी ट्रेन है वाराणसी से, जो कि मुझे जम्मू पहुँचाएगी 22 तारीख को। तो उससे पहले मैं बस आज की वीडियो में बस पैकिंग दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ। अगर आप भी दर्शन करने जा रहे हैं कभी वैष्णो देवी की, तो आपको क्या क्या ले जाना चाहिए। नॉर्मली ये चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, एक्स्ट्रा एड ऑन करना है कि नहीं करना है। तो चलिए नीचे चलते हैं और क्या क्या मैंने पैक किया है वो आपको दिखाते हैं। तो जाने के लिए मैंने 2 बैग रेडी किया है, एक ये ट्रॉली बैग और दूसरा ये टांगने के लिए बैग। इसमें ज़्यादा सामान अभी दिख रहा है और इसमें कम, क्योंकि इसमें नॉर्मल चीज़ें हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें, खाने की भी चीज़ें हैं, कुछ बिस्किट्स भी हैं, नमकीन भी है और चादर भी है। इसके वजह से ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है। अब इसको पूरा दिखाते हैं खोल के कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो 2 बैग है, एक ये और एक ये। तो इसको पहले हटा के इसमें खोल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें मैंने रख ली है, और इसी से हमें रिमाइंड भी कर लेंगे कुछ चीज़ छूट तो नहीं रही है। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये पूरा भरा हुआ है। ये एक लोअर और एक टी शर्ट, जब दर्शन करना होगा तो ये लोअर टी शर्ट में ही करेंगे तो जो कम्फर्टेबल रहेगा। और दूसरा एक शर्ट जो कि पूरी तरह से मुड़ गया, इसमें ठीक से रखा नहीं है, ये हो गया। और एक पैंट और शर्ट फॉर्मल, जो कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे पहनेंगे। और एक और जो कि मेरा फेवरेट है, ये हमेशा पहनते रहते हैं। और साथ में ये जो कि बहुत ज़रूरत की चीज़ है, और साथ में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्राईपॉड बड़ा वाला, जो कि नया है एकदम। तो इसको भी जल्दी ही हम ओपन करेंगे तो इसके बारे में दिखाएंगे आपको। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, इतना ही सामान में ये पूरी तरीके से भर जाता है। इसको फिर से रख लेते हैं अच्छे से, इस बार मुड़े ना। जी, मेरे बैग का सामान रखा गया पूरा, इसको हम बंद कर देते हैं। टाइट करके नीचे ही रख सकते हैं। और इसके बाद ये दूसरा बैग, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पूरा भरा हुआ है। इसके पहले ये वाला सेक्शन खोलते हैं और इसमें दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये कुछ शैम्पू है जो कि वहाँ होटल में नहाने के काम आएगा, और एक साबुन भी लाइफ बॉय। और ये कुछ सैनिटाइज़र है, अगर ज़रूरत पड़ा तो इसका यूज़ कर लेंगे। और एक ब्रश, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मॉर्निंग का। ये पेन भी रख लिए हैं कि कभी भी ज़रूरत पड़ जा सकती है। एक क्रीम है जो काम आएगा, ये भी। ये सैनिटाइज़र भी है और ये सेक्शन खाली है। दूसरे में रखा है तो पर्स रख लिया है नॉर्मली, और एक मंजन ब्रश के साथ, मंदिर बहुत ज़रूरी है। और इसको भी अंदर कर लेते हैं और सबको भी अंदर ही रख देते हैं पहले। टाइम बहुत कम है क्योंकि अभी 7:40 हो रहे हैं, हमें 9 बजे ही निकल जाने हैं। 12 बजे ट्रेन है, फिर भी 2-3 घंटे पहले जाना है, वहाँ पे लोगों से मिलना भी है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी हम रख भी दे रहे हैं। मुझे टाइम नहीं मिला कि पहले ही वीडियो क्रिएट कर दें। एक बटोल भी खरीदे हैं जो कि करीब 1.5 लीटर का है, और बहुत बढ़िया रहेगा वहाँ जाने के लिए और ट्रैवल करने के लिए। ये बैग और ये बटोल मेरे बहुत काम में आएगा। और हम दूसरे सेक्शन में देखते हैं कि मैंने क्या क्या रख लिया है। ऑलमोस्ट ये मोबाइल चार्जर, क्योंकि मोबाइल के साथ चार्जर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और एक एक्सटेंशन कॉर्ड, कारण ये है कि हम लोग 5 लोग हैं और बहुत दिक्कत आ जाएगी, तो 3 कॉर्ड वाला मैंने रख लिया, अगर 2-3 लोग एक साथ में चार्ज कर लेंगे। और इसमें कुछ खाने की चीज़ें लग रहा है, ओजन है तो खोलते हैं देखते हैं कहते हैं। अरे ये तो बारबल का बिस्किट है, क्योंकि 5 पैकेट है, हम लोग 5 लोग हैं तो 5 पैकेट बड़ा वाला हम ले लिए हैं ताकि दिक्कत ना हो। और एक 1/2 किलो का हमने फल से नमकीन ले लिया है, जो कि अच्छा लगेगा सफ़र में, ट्रेन में काम आएगा। और ये कच्चा चना है जो कि यूज़ में लेंगे हम, इसको भी रख लेते हैं जल्दी से, ये भी हो जाए। सब अभी फायर कर लेते हैं उसके बाद। और उसके बाद एक गमछा जो कि ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, एक एक्स्ट्रा मोजा, सॉक्स और एक पेन ड्राइव रख लिए हैं, बस हो गया इसमें, बस इतना ही है। और ये जो सॉक्स रखे हैं उसका ये जूता, ये स्पोर्ट्स शूज जो भी काम आएगा उसी दिन जब हमको चढ़ाई करनी होगी तब, ये भी हो गया। उसको बंद कर देते हैं, हम ये सामान रखेंगे। और ये लास्ट सेक्शन, इसमें देख लेते हैं क्या किसी भी हमें रखी है।
एक लोअर और एक टी शर्ट ही एक्स्ट्रा रखें, ये अभी पहनेंगे क्योंकि अभी यही पहन के निकलना है मुझे, तो इसलिए इसको भी अलग कर लेते हैं, बाहर ही कर लेते हैं। और एक चादर जो कि मुझे ट्रेन में काम आएगा, और अगर होटल में नहीं मिला तो होटल में काम आएगा पर्सनल यूज़ के लिए। तो बस इतनी ही पैकिंग किए हुए हैं हम, बाकी तो पैकिंग तो मैंने कर ली और पैकिंग भी आपने देख भी ली और क्या है पैकिंग में, ऐसी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बस आप बताइएगा कि और कुछ छूट तो नहीं रहा है। और दूसरी बात कि मैं बता देता हूँ पूरी मेरी जर्नी कैसी है, मतलब क्या क्या चीज़ें हम लोग ने प्लान किया है कि मैं कब निकल रहा हूँ, कब वापस आऊँगा और कहाँ कहाँ जाने का हम लोग का प्लान है। तो प्लान जो है वो आज से स्टार्ट होता है 21 सितंबर से। तो 21 सितंबर की हमारी ट्रेन है जो कि वाराणसी से है जम्मू तक की जाएगी, 22 तारीख को पहुँचेगी, 24 घंटे का हमारा सफ़र है। तो मैं 22 को 10 बजे, 10 से 12 बजे के आसपास मैं पहुंच जाऊंगा जम्मू में। फिर 22 को हम लोग IRCTC का रूम बुक किए हुए हैं, तो उसको भी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कैसा है रूम, कैसा है हम लोग की जर्नी रहती है, कितने का रूम पड़ा और कैसा रूम है, मतलब सारी चीज़ें उसके बारे में बताएंगे, वो तो सब नेक्स्ट वीडियोस में आएंगी। और तीसरा फिर जाके हम लोग 23 को मॉर्निंग में ही हम लोग दर्शन करने के लिए निकलेंगे, और पूरे दिन हमारे पास होंगे वो दर्शन करने के लिए, मतलब कि 23 की, तो 23 को हम लोग पूरा तरीके से दर्शन कर लेंगे। और 24 को ही हम लोग दूसरे दिन शायद भैरव घाटी का दर्शन करेंगे, मुझे अभी प्लान पूरे तरीके से क्लियर नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद फिर मेरी 25 तारीख को क्या है, ट्रेन है जम्मू से अमृतसर, अमृतसर मतलब पंजाब, और पंजाब में वहाँ पे हम लोग एक डे स्टे करेंगे, और वहाँ पे भी एक ट्रैवल करना है हम लोग को गोल्डन टेम्पल, तो उसके बारे में भी आगे वीडियोस क्रिएट करेंगे ही ज़रूर से ही। और उसके बाद जो 26 को हम लोग की रिटर्न टिकट है, तो रिटर्न हम लोग अमृतसर जाएंगे वाराणसी, तो वो सारी चीज़ें आपको चीज़ें बैक टू बैक वीडियोस में क्लियर हो जाएंगी। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और बाकी चीज़ें कुछ छूट रही होंगी तो आप मुझे कमेंट करिए कि मैं ये ले जाना भूल गया या फिर ये चीज़ें लेके जानी है मुझे। और बाकी बस मुझे लगता है कि सारी चीज़ें तैयारी हो गई है और एक्साइटेड भी हूँ, और पहली बार जर्नी कर रहा हूँ और पहली बार दर्शन करूँगा। तो बस दिल से शुभकामनाएँ मेरे खुद के लिए कि कैसी जर्नी रहती है, और आप लोग भी थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिए कि मेरे से हिम्मत मिले कि मैं जा पाऊँ। अच्छा को कुछ लगा बगा नहीं, तो फिर इतना जोर से काय को चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है।